हेलो स्टूडेंट्स, आरसी एजुकेशन हब बानसूर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा दूसरा रस शुरू होने जा रहा है, हास रस, जिसका स्थाई भाव है हास अर्थात हंसी। जहाँ भी आपको हंसी से संबंधित बात सुनने को, देखने को या महसूस करने को मिले तो वहाँ कौन सा रस होता है? हास रस। देखिए इसकी परिभाषा है, जहाँ काव्य या कविता नाटक को पढ़ने सुनने तथा देखने से जो मन में हंसी के भाव उत्पन्न होते हैं वहाँ हास्य रस प्रयुक्त होता है। हास्य रस कहाँ होता है? जैसे आपने कोई कहानी सुनी, जैसे आपने कोई कविता पढ़ी या कोई नाटक देखा, कोई अभिनय देखा, उसको देखने सुनने और पढ़ने से जो मन में हंसी के भाव उत्पन्न होते हैं, मन में लड्डू फूटते हैं, हंसते हंसते लोटपोट होते हैं, तो वहाँ कौन सा रस होता है? हास्य रस। या इसकी एक परिभाषा और है, हास्य स्थायी भाव की परिपक्वता के लिए उक्ति व्यंग्यात्मक होनी चाहिए जो हास्य के माध्यम से समाज या राजनीति के किसी विकृत अंग, टेढ़े-मेढ़े अंग का उद्घाटन करने में भी क्या हो, समर्थ हो। क्या इसका उदाहरण दिया गया है, इसको आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। उदाहरण है, प्रेमियों की शक्ल कुछ कुछ भूत होनी चाहिए, अक्ल उनकी नाक में छह सूत होनी चाहिए, इस करने के लिए कलेजा ही नहीं आसिकों की चांद, चांद का अर्थ है सिर भी मजबूत होनी चाहिए। मैं चलू रहेगा यहाँ पे।